अब भाई दोस्तों, खाने पीने के शौकीन कौन नहीं होता। अब भाई खाना चीज ही ऐसी है, इसके लिए या तो यूँ कह लो कि हम इसके लिए जीवित हैं या फिर ये हमारे लिए जीवित हैं। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि विभिन्न देशों में अलग अलग भोजन अलग अलग डिशों के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जिन जानवर को देख के हम डर जाते हैं, उन्हीं जानवरों को बाहर देश में उनसे दवाई बनाई जा रही है, उनसे अपना इलाज करवाया जा रहा है। दोस्तों अन्य पसंदीदा व्यंजक बनाए जाते हैं, जिन जीवों को हम देख कर घृणित करते हैं वो लोग उन्हें बड़े चाव से खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज की हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको जिन पकवानों के बारे में दिखाने जा रहे हैं ना, जिन्हें देख के हम डरते हैं और वो लोग उन्हें जानवरों को खा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। फूगू। जी हाँ दोस्तों, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये सब बात तो हमने सभी ने सुनी और हम खाते भी हैं। पर दोस्तों जिस मछली के डंक में ही इतना ज़्यादा खतरनाक हो जिससे कि हम जीवित न बच जाएं, अब दूसरे लोग उसे खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फूगू फिश सबसे ज़्यादा जापान में खाई जाती है, जिससे अगर इसे अच्छे से नहीं बनाया गया या फिर साफ नहीं किया गया तो इससे लोगों की जान भी जा सकती है। बुलफ्रॉग। दोस्तों यदि हम यूरोप की साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे लोग मेंढक खाते बहुत आम से मिल जाएंगे कि मेंढक खा रहे हैं। पर दोस्तों जिस मेंढक को देख के हम डरते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं आने देते बारिश के समय, उसे लोग खा रहे हैं। रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों वैसे तो ये जानवर देखने में काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है, पर दोस्तों खाने में कैसा है ये तो हमें चीन के लोग ही बताएंगे। वही सांप जी, काफ़ी स्वाद है सांप जी, ओ दादा पालो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनकी थाली में ये कैसे खा रहे हैं। दोस्तों हमने कई बार यह सुना होगा कि चीन के लोग कुछ भी खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुंदर सा देखने वाला जानवर रेनबो लॉबस्टर भी ये खा जाते हैं। सेंचुरी एग। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हैं ये सेंचुरी एग कौन सा आ गया। अब भाई ये सदी का अंडा क्या होता है, ये तो हमने नाम ही पहली बार सुना है। पर दोस्तों हम आपको बता दें, जो आप वीडियो स्क्रीन पर ब्लैक अंडा देख रहे हैं वह अंडा एक बत्तख का होता है, और दोस्तों चीन के लोग बहुत स्वाद से खाते हैं इसे। स्टर्जियन। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टर्जियन किसका नाम है, अब ये क्या चीज़ आ गई। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये अमेरिका में पाई जाने वाली अनोखी मछली में से एक है। दोस्तों इसी वजह से अमेरिका में इस मछली के अंडों पर बैन लगा दिया गया है। पिग केक। दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से केक खाए होंगे और बहुत से काटे भी होंगे, पर दोस्तों क्या आपने कभी केक खाया है। जी हाँ सही सुना आपने, स्वर शायद नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका के लोग इसे बहुत स्वाद से खाते हैं और वहाँ पर इसे बैन भी कर दिया गया है, अगर कोई खाता हुआ पकड़ा गया तो 7 साल की जेल हो सकती है। काशू मार्जू। दोस्तों अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल पनीर है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको कौन नहीं खा सकता, ये तो हमारा रोज खा रहे हैं। पर दोस्तों हम आपको बता दें, अब जरा आप सावधान हो जाइए और इसके अंदर तो देख लो ये कैसा पनीर है। जी हाँ, पर पनीर तो है, पर दोस्तों ये एक अलग ही तरह का पनीर है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कीड़े देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, ये कीड़े ही इसके स्वाद का कारण बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ही चाव से इसे खा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया में इस पनीर को 18 साल से बैन करा हुआ है। हगीज। दोस्तों अब ये सोच रहेंगे कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये तो पहनने की चीज़ है, खाने में कहाँ से आ गई। पर दोस्तों हम आपको बता दें, हम यहाँ पर पहनने वाले हगीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे स्कॉटलैंड के नेशनल फूड हगीज की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड के लोग इस हगीज को बहुत स्वाद से खाते हैं। और हम आपको बता दें, ये भेड़ के गुर्दे और दिल को चीर के बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह था कि यदि आप किसी भी डिश को खाने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और देख के खाएं, क्योंकि आमतौर पर हम टूरिस्ट लोग कहीं भी जाते हैं तो बिना देखे कुछ भी खा लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगर आप कहीं जाएं और इनमें से आपको कोई व्यंजक खाने के लिए दिया जाए तो आप खाएंगे या नहीं, हमें यस या नो लिख के ज़रूर बताएं। अब भला दोस्तों ऐसी चीज़ें कौन खाता है, दोस्तों आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों आज के एपिसोड में बस फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप दें मुझे आज्ञा।